हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वाणी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की। ये क्वेश्चन पेपर कॉमन होगा फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स एंड फॉर आईसीडीएल बोथ। टाइम लिमिट होगी 1.5 आवर और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंडर। ये सभी कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे, आप सभी को ये 4 क्वेश्चन करने होंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ आर्ट, यानी कि कला का क्या अभिप्राय है। सेकंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट्स इन लाइफ, जीवन में विभिन्न कलाओं का महत्व। थर्ड इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स, हिंदी में होगा रचनात्मक कला सीखने की प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। एंड फोर्थ इज इम्पोर्टेंस ऑफ विजिट इन आर्ट एग्जीबिशंस, यानी कि कला प्रदर्शनी में जाने का महत्व। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ आर्ट एंड आल्सो हाईलाइट इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट्स इन एजुकेशन, हिंदी में बात करेंगे। कला के कार्य क्षेत्र की व्याख्या करें तथा शिक्षा में विभिन्न कला के महत्व को भी उजागर कीजिए। जो इसका अनदर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जो शिक्षण प्रदर्शन और दृश्य कला के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या करें। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन इन डिटेल लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स, आपको डेमोन्स्ट्रेशन मैथड जो है वो एक्सप्लेन करना है। रचनात्मक कला सीखने की व्याख्या सह प्रदर्शन विधि की विस्तार से व्याख्या करें। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडियन फोक एंड विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, भारतीय लोक और दृश्य और प्रदर्शन कला को समझना। बी इज मेथड ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन फॉर टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स, यानी कि रचनात्मक कला को सिखाने के लिए कल्पना और मुक्त अभिव्यक्ति की विधि। एंड सी टाइप्स ऑफ कलर एंड पेंट्स, रंग और पेंट के प्रकार लिखिए।